बीफ शवरमा आज हम बना रहे हैं, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि शवरमा में ना क्या क्या बाजार वाले डालते हैं जिससे जायका बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम ज़बरदस्त सा बीफ शवरमा बनाएंगे, और सबसे पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके लिए चाहिए क्या क्या। ये है बीफ जो हमने रेडी करके रख लिया, ये है सैलड, और साथ ही हमारे पास क्या है, वाइट सॉस, देख रहे हैं आप, जो कि जान होती है एक्चुअली शवरमा की। देन वी हैव येलो सॉस, जिसका कलर येलो नहीं लग रहा लेकिन कोई बात नहीं। उसके बाद है ग्रीन सॉस, और उसके बाद है रेड सॉस। हाँ जी, ये सारी सॉसें डालेंगे तो जाके जायका बनना है आपका, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले हमने रखा तवा और उसको किया ग्रीस, और उसके ऊपर पीटा ब्रेड को हमने थोड़ा सा सेक लिया, दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा सा कलर आ गया, और दैट्स इट, यही हम चाहते थे। अब हम करने वाले हैं इसको असेंबल। सबसे पहले आप नीचे रखेंगे बटर पेपर, और कल वाली वीडियो में आपने देखा होगा कि कैसे शवरमा का रोल करते हैं, नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। और ये अब शवरमा नमा चलेगा थोड़े दिन, ठीक है, और सारा कुछ आपको मैं डिटेल में बताऊँगी। अब सबसे पहले हमने क्या लगाया है, वाइट सॉस, और वाइट सॉस का ही सॉस का ही जायका होता है जो सबसे ज़्यादा आपको शवरमा में आ रहा होता है, और जिसकी वजह से ना शवरमा का यूनिक सा टेस्ट आपको लगता है। और सबसे पहले इसलिए हमने उसको अच्छे से पीटा ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कर दिया, और अब हम रखेंगे इसके ऊपर बीफ। अच्छा, इस वीडियो में अब मैं आपको बता रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें हम डाल रहे हैं। इन चीज़ों की रेसिपी आपको मिलेगी साथ साथ, ठीक है, बिल्कुल मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि ये वाइट सॉस जो है ना आपने कैसे बनानी है। इसलिए जो जो लोग इंटरेस्टेड है ना शवरमा मज़े का बनाने में, और लोगों को हैरान करने में कि बाजार जैसा घर पे कैसे बना लिया, ठीक है, तो वो तो ज़रूर अभी के अभी सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करेंगे, और अभी रेगुलर वीडियोज़ मेरी देखेंगे, क्योंकि अभी शवरमा नमा ही चल रहा है। ये हमने डाल दिया है येलो सॉस, और येलो सॉस बेसिकली मस्टर्ड पेस्ट डाल के बनाते हैं, जो कि बड़ा महंगा मिलता है बाजार से, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको सस्ता करके कैसे बनाना है, ठीक है। अच्छा, ये डल गया रेड सॉस, और ये जिनको चाहिए होता है ना मिर्चों वाला शवरमा, उनके लिए ये सॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस सॉस में ऑब्वियसली मिर्चें टका कर डलेंगी, और ये भी मैं आपको बताऊँगी कैसे बनाएंगे आप। फिर आ गया जी ग्रीन सॉस, और इसके आप इंग्रीडियंट्स कुछ तो गेस कर सकते हैं, ठीक है, ज़रा कमेंट्स में लिखें। और उसके बाद मज़े का सैलड, क्रंची सा, और मैं आपको बताऊंगी क्या क्या सैलड में आपने टिकाना है, और उसके बाद आप इसको रैप करेंगे, ठीक है। तो अब आपको पता चला कि शवरमा में जब ये सारी चीज़ें होंगी तो वो बाजार जैसा कैसे नहीं लगेगा भाई, कैसे नहीं लगेगा, ठीक है। और इस बार हमारा मिशन है बिल्कुल बाजार जैसा जायका शवरमे में लाना, जो कि आके रहेगा, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें लाइन वाइज आ रही हैं इंशाल्लाह। कल हमने शवरमा रैप करना सीखा, जो कि अक्सर नहीं आता, ठीक है, घर पे आप गोल गोल उसको जैसे मर्जी गंदा सा रैप कर देते हैं, इसलिए फिर लोग मानते भी नहीं हैं कि ये बाजार का। तो एनी वेज, रैप करना अभी भी सीख सकते हैं, कल भी मैं सिखा चुकी हूँ ऑलरेडी। और बाकी सॉसेज आ रही हैं येलो, रेड, वाइट एंड ग्रीन। और इसके साथ साथ कैसे हम शवरमा के लिए चिकन बनाएंगे, कैसे हम बीफ बनाएंगे, और सैलड कैसे बनाएंगे, ठीक है। चलो जी, सारा कुछ देखने के लिए सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करें। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।